1 मिनट रिवीजन में ही आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 10 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे, वो भी बस 1 मिनट में। तो दोस्तों, हाल ही में 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने मातृशक्ति शक्ति उद्यमिता योजना को शुरू करने की घोषणा की। और दोस्तों, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में RBI ने फीचर फोन के लिए UPI 123 पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और दोस्तों, हाल ही में मार्च 2022 में IIT रुड़की संस्थान ने सुपर कंप्यूटर परम गंगा को स्थापित किया। और दोस्तों, हाल ही में रिजवाना हसन जी को इंटरनेशनल महिला साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, हाल ही में बिहार राज्य में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों, हाल ही में MSME मंत्रालय ने समर्थ अभियान को लॉन्च किया। हाल ही में महिला व बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ, इन तीनों ने मिलकर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान को शुरू किया। हाल ही में राजस्थान के बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। हाल ही में USA देश ने रूसी तेल इम्पोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। तो दोस्तों, यह थे 10 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी 1 मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।